सो हेलो फ्रेंड्स, मैं दुर्गेश यादव और आप मेरा चैनल देख रहे हो डुग्गू मैकेनिकल। फ्रेंड आज के वीडियो में बताऊंगा आपको टाटा नेक्सॉन ईवी के बारे में। इसमें फ्रेंड प्रॉब्लम ये है कि ये चार्जिंग नहीं हो रहा है, देख सकते हो अभी 7.2 फास्ट चार्जिंग में मैं चार्ज लगाया हूँ और इसमें भी ब्लू लाइट ब्लिंक कर रहा है। चार्जर कनेक्ट है, मैं इसको स्कैन करूँगा, RFID स्कैन करूँगा इसका। ये इसका RFID है, ये येलो लाइट जला और इसके बाद फिर ग्रीन लाइट ब्लिंक करेगा, ब्लिंक कर रहा है ग्रीन लाइट, बट ये चार्ज हो नहीं रहा। मैं आप लोग को डिस्प्ले में दिखलाऊंगा, ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रहा है, चार्जर कनेक्ट है, इसके डिस्प्ले में चार्जर कनेक्ट शो कर रहा है बट ये चार्जिंग हो नहीं रहा, देख सकते हो 58% चार्ज है। ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रहा है, ग्रीन लाइट ब्लिंक होता है मतलब इसको चार्ज होना चाहिए बट ये चार्ज हो नहीं रहा है। इसका चार्जिंग गन लॉक भी नहीं हो रहा है, ये लॉक नहीं हुआ है। इसमें फ्रेंड इंटरलॉक चार्ज प्लग का कोड आ रहा है, इसको मैं क्लियर करूँगा, फिर से रीड करूँगा। देख सकते हो फ्रेंड कंफर्म कोड है P306285। मैं इसको ऑटो स्कैन करूँगा एक बार, VCU में कोड आ रहा है इसमें। मैं इसको ऑटो स्कैन कर रहा हूँ, ऑटो स्कैन करके देखते हैं क्या कोड आ रहा है। ऑनबोर्ड चार्जर ओपन नहीं हो रहा है, देख सकते हो VCU में वही कोड है P306285। ऑनबोर्ड ओपन नहीं हो रहा है, मैं इसको क्लियर करूँगा और फिर से रीड करूँगा DTC ऑल क्लियर करके फिर ऑटो स्कैन करूँगा मैं। देखेंगे इसमें क्या क्या कोड आ रहा है और किस में कोड है। अभी तो VCU में सिर्फ चार्जिंग गन लॉक का कोड आ रहा है, ऑनबोर्ड चार्जर ओपन भी नहीं हो रहा है। देख सकते हो VCU में वही कोड आ रहा है फिर से, इंटरलॉक चार्जर प्लग का। हम लोग फ्रेंड इसका एक्चुएटर को क्लीन करेंगे। ये है फ्रेंड इसका चार्जिंग पॉइंट, यहाँ होल्डर लगता है चार्जर गन और इसको अभी हम लोग निकाल के चेक करेंगे, क्लीन करेंगे इसका एक्चुएटर। ये नीचे में एक्चुएटर लगा हुआ है, ये एक्चुएटर है इसका, देख सकते हो पूरा धूल मट्टी लगा हुआ है इसमें, पानी में चला हुआ ये गाड़ी, ये इसका एक्चुएटर। इसको फ्रेंड हम लोग क्लीन करेंगे, देख सकते हो कितना मिट्टी लगा हुआ है इसमें। और फ्रेंड जितने लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचते रहे। देख सकते हो फ्रेंड ये पानी में चल के आई है और फिर इसमें धूल मिट्टी जम गया है। इसके एक्चुएटर को हम लोग क्लीन करेंगे और इसके कपलर को। काम है
प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो कल अगर आएंगे तो डालूंगा। ये एक्चुएटर का कवर है, इसके अंदर एक्चुएटर लगा हुआ है। ये फ्रेंड इसका एक्चुएटर, चींटी भी इसमें अपना घर बना लिए हैं, चींटी लोग रह रहे हैं, देख सकते हो बहुत सारा चींटी है, ब्लैक वाला चींटी है पूरा। इसके एक्चुएटर को हम लोग बाहर निकालेंगे, ये इसमें दो स्क्रू दिया हुआ है, एक ये है और एक इसके नीचे। क्लीन करेंगे हम लोग इसको निकाल के। फ्रेंड जब तक चार्जिंग गन लॉक नहीं होगा तब तक ये चार्जिंग नहीं होगा। चार्जिंग गन लॉक एक्चुएटर करता है बट इसका एक्चुएटर वर्क नहीं कर रहा है, देख सकते हो इसके अंदर में कितना सारा चींटी है, अपना घर बना लिया है इसमें, देख सकते हो चींटी। इसको फ्रेंड हम लोग अच्छे से क्लीन करेंगे इसके एक्चुएटर को, ये इसका एक्चुएटर है। यहाँ से देख सकते हो मैन्युअली वर्क कर रहा है। इसको हम लोग क्लीन करेंगे। इसके कपलर को भी क्लीन करेंगे हम लोग, एयर मारेंगे क्लीन करके अच्छे से। फ्रेंड बारिश का टाइम है और बारिश में चलाने की वजह से इसके कपलर में पानी आने की वजह से ये चार्जिंग गन लॉक नहीं होता है, इसलिए मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ पहले। और क्लीन करने से अगर ना हो तो फिर इसका एक्चुएटर चेंज करके देखेंगे, बट पहले क्लीन करके चेक करते हैं। स्प्रे मारने के बाद इसमें एयर मारेंगे। इसको भी क्लीन करेंगे हम लोग, क्योंकि डस्ट आने की वजह से ये ठीक से वर्क नहीं करता है, लॉक नहीं कर पाता है, मूवमेंट नहीं हो पाता ये। इसके कवर को भी क्लीन करेंगे। ये है फ्रेंड चार्जिंग गन लॉक एक्चुएटर, ये गन को लॉक करता है, ये सिग्नल भेजता है, लॉक करने के बाद फिर चार्जिंग होने स्टार्ट होता है, बट ये वर्क नहीं कर रहा है इसलिए चार्जिंग हो नहीं रही है, ग्रीन लाइट बस ब्लिंक कर रहा है। इसको कंप्लीट करके चार्ज में लगा के चेक करेंगे हम लोग, इसका कंफर्म कोड आ रहा है, इंटर गन लॉक का जो कोड है ये इसी का कोड है एक्चुएटर का। इसके दोनों स्क्रू को लगा के हम लोग अच्छे से टाइट करेंगे, लूज होने की वजह से भी प्रॉब्लम आता है इसमें। इसके कपलर को लगाएंगे,
कपलर को भी अच्छे से लॉक करेंगे। इसमें भी लूज कनेक्शन होने से प्रॉब्लम आता है। इसका फैन हम लोग चार्जिंग गन लगाएंगे, अभी इसको कंप्लीट नहीं करेंगे पूरा लगा के। इसका चार्जिंग गन हम लोग लगाएंगे। इसको ऑन करके स्कैन करेंगे RFID। ब्लू लाइट ब्लिंक कर रहा है, स्कैन करेंगे हम लोग इसको। लैपटॉप ले गया, ग्रीन लाइट ब्लिंक करने लग गया। चार्जिंग कनेक्ट है, देख सकते हो। डिस्प्ले में देखेंगे हम लोग, देख सकते हो फ्रेंड डिस्प्ले में चार्जिंग शो करने लग गया, चार्ज हो रहा है, 61% चार्ज है। 222 किलोमीटर का रेंज दिखला रहा है, 2 घंटा 30 मिनट फुल चार्जिंग होने में लगेगा। चार्ज हो रहा है ये अभी। इसका DTC देखेंगे हम लोग, देख सकते हो फ्रेंड इसका कोड भी मेमोराइज हो गया, पहले कंफर्म कोड आ रहा था। अभी मेमोराइज है, चार्जिंग हो रहा है, देख सकते हो ब्लिंक कर रहा है, और ये भी ब्लू हो चुका है। यहाँ भी चार्जिंग ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रहा है। चार्ज हो रही है, इसका एक्चुएटर को हम लोग क्लीन किए हैं, 61% चार्ज है, देख सकते हो। ये फ्रेंड चार्ज हो रहा है और इसमें अभी कोड भी नहीं आ रहा है, मेमोराइज कोड आ रहा है। क्लीन करके फिर से रीड करेंगे DTC, यहाँ से हम लोग क्लियर करेंगे। फिर से रीड करेंगे, देख सकते हो नो DTC, पहले कन्फर्म कोड आ रहा था, अभी कोई कोड नहीं है। चार्ज भी हो रही है, देख सकते हो ब्लिंक कर रहा है चार्जिंग, और यहाँ पास भी चार्जिंग शो कर रहा है ब्लू कलर का। अभी फ्रेंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ज हो रहा है। और आज के वीडियो में इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। और जितने लोग मेरे चैनल पे नए थे, मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचते रहे।